हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कवर अप कुर्ती। इस ड्रेस में जो कि सबसे खास हिस्सा है वो है कवर अप। इसे मैं एक नेट फैब्रिक से बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। इसे हमें 4.5 मीटर लेना है क्योंकि मैं इसका यूज़ दुपट्टे में भी करूँगी और सलवार में भी करूँगी। बेसिक कुर्ते के लिए मैंने यहाँ कॉटन फैब्रिक लिया है जो कि 2 मीटर है। और हम सबसे पहले कुर्ते की कटिंग स्टार्ट करेंगे। कुर्ते की टोटल लेंथ मैं नी से थोड़ी नीचे रखूँगी और इस लाइन की 9.5, इस लाइन की 8 और वेस्ट लाइन की 9.5 अगेन। नाउ आर्म होल की मेजरमेंट मैंने 8 इंच रखी हुई है। इसकी नेक लाइन मैं सिंपल राउंड शेप में रखूंगी जिसमें कि सामने 5 इंचेस का स्लिट होगा। इतना रेडी करके मैं आपको शो करती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैं नेक लाइन भी रेडी कर ली है। इसे मैं ऊपर से आयरन कर ले रही हूँ। अब नेक लाइन को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने पर्ल वाली लेस यूज़ की है। इसे मैं इस तरीके से नीचे लगाते हुए इसे इसमें अटैच कर दूंगी। इसके प्लेस पे आप बटन लगाना चाहें या फिर लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सो यहाँ पर ये कुर्ती रेडी हो गई है जिसका कवर अप हम बनाने जा रहे हैं। नेक लाइन, आर्म होल सब कुछ इसकी रेडी हो चुकी है। साइज स्लिट बनाना और उसे अटैच करना, सिलना मैंने पहले बताया हुआ है आपको वीडियो में। आप उसे सिंपली बस इसे सिंपल कुर्ते के जैसा ही बनाना है। नाउ हम कवर अप बनाएंगे। जो फैब्रिक मैंने स्टार्ट में दिखाई थी उसे ले लेंगे। नेट फैब्रिक को 2 फोल्ड करके मैंने यहाँ रखा हुआ है और उस पर कुर्ती रखी हुई है। मैं नहीं चाहती कि कवर अप पूरा सामने की कुर्ती वाले हिस्से को कवर कर ले, इसलिए मैं कुर्ते को थोड़ा आगे निकाल के सिर्फ 7 इंचेस ही मार्क करूँगी। ये 7 इंच हम आर्म होल के नीचे वाले हिस्से से मेजर करेंगे। नाउ शोल्डर, आर्म होल और इसके स्लिट वाले हिस्से तक मैं इसे मार्क कर लूँगी। नाउ स्लिट वाले हिस्से से फ्लोर लेंथ तक आप इसे फ्लोई तरीके से मार्क करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा नीचे घेर मिल सके। नाउ फ्रंट वाले हिस्से की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही अनदर कटिंग कर लेंगे। नाउ बैक के पोर्शन को भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, बट मेक श्योर कि इसकी जो नेकलाइन है हम उसे पीछे से फुल रख रहे हैं। मैंने पहले भी एक कवर अप कुर्ती बताई है, उसकी प्रोसेस लेकिन इससे थोड़ी अलग है। आप आई बटन पे जाके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमने जो पहले कटिंग की हुई थी उसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे इसके सामने की। इसे स्टिच करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सामने से थोड़ा खुला रहेगा, इतना हिस्सा इसका कुर्ती का दिखना चाहिए। सो हम इसे इस तरीके से टर्न करते हुए सिलेंगे। मैंने इसकी एजेस को कवर करने के लिए कॉटन की स्ट्रिप का यूज़ भी किया है। इतना कर लेने के बाद आप इसकी स्टिचिंग कर लेंगे साइड से भी और इसके शोल्डर से भी। क्योंकि ये नेट फैब्रिक है इसलिए मैंने इसमें स्लीव भी अटैच की हुई है जो कि फुल स्लीव है। नाउ मैं कवर अप के एजेस पे 1.5 इंच के गैप में पर्ल अटैच कर रही हूँ। इसके लिए आप सिंपली नीडल थ्रेड का यूज करेंगे। आप चाहें तो पूरी लेस भी इसमें अटैच कर सकते हैं। कवर अप की फिटिंग अच्छे से आ सके इसलिए मैंने पीछे एक प्लेट डाली हुई है और इसे भी मैं पर्ल से डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने सेम फैब्रिक की कटिंग रखी हुई है जिसे मैं सलवार में ऐड करूंगी, लेकिन मैं इसे पूरे सलवार में ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ सलवार के नीचे वाले हिस्से में ही ऐड करूंगी। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये एक स्क्वायर शेप फैब्रिक है। इसकी मेजरमेंट है 16 to 17 इंच। इसे जस्ट हम कट करके सलवार के हिस्से में ऐड। ये हमारा चूड़ीदार सलवार है जिसमें चूड़ी बहुत ही कम पड़ेगी। इसे मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दूंगी। नीचे से इसे सिलाई को अनस्टिच करके मैं इसे सिंपली इस तरीके से ऐड कर दूंगी और यही इसका फाइनल स्टेप है। और इसी फैब्रिक को मैंने दुपट्टे में भी यूज़ किया है। और बस इतना ही और आपका ये ड्रेस रेडी है।